गुड मॉर्निंग फिफ्थ ए बी क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फर्स्ट टर्म की का सिलेबस स्टार्ट हो गया हुआ है। आज हम फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पढ़ेंगे पार्ट 11, साहसी दीपा। साहसी मतलब होता है हिम्मती, ताकतवर, किसी से ना डरने वाला। और दीपा एक लड़की की कहानी है जो आपको अभी पता लगेगी। माधवपुर गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। रवि और हरीश मतलब गांव में ही रहने वाले उसके कोई फ्रेंड थे, वो भी उस नदी में नहा रहे थे जहाँ दीपा कपड़े धो रही थी। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। दीपा जो ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। जब ये देखो, यहाँ पर रवि नदी में कूद रहा है, डूब रहा है, और ये दीपा उसे कूद कर बचाने की कोशिश कर रही है। उसकी सहेली ने उसे इसलिए मना करा था क्योंकि उसी नदी पे हरीश और रवि की तरफ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की एक न मानी। दीपा ने कहा, मैं मगरमच्छ से ज़रूर बचाऊँगी, तुम गाँव जाकर इनके घर खबर कर दो। उसने अपनी सहेली की बात ना मानते हुए नदी में कूद गई और उसे कहने लगी कि गांव में जाकर सबको खबर कर दो, मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत ना छोड़ी और तेज़ी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था, उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया और हाँफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बधाई और जल्दी तैरकर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर रह गया। इसका मतलब है कि मगरमच्छ उनको, जो रवि और दीपा को, निगल ना सका क्योंकि दीपा ने उन्हें फटाफट नदी के किनारे तक ले जा चुकी थी, इसलिए मगरमच्छ को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। शिकार उसके चंगुल में नहीं फंसा, उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गाँव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। थैंक यू।